अघोर बापूजी गले मिलो, इसके अंदर वो लगी जैसे हो चाइनीज डोसा चाइनीज बेल ऐसा सब आता है, वैसे क्या पता कव्वाली गरबा भी शायद हो जाए। हो सकता है, देखिए माता जी की मेहरबानी और अल्लाह जी की मेहरबानी, देखते हैं। ठंडी ठंडी पवन के झोंके गोकुलधाम में आए, ठंडी ठंडी पवन के झोंके गोकुलधाम में आए, कृष्ण जन्म और ईद की खुशियां दोनों साथ में आए। टिप्पू के पापा की पसंद है ये। नहीं ना, तू तो मेरी पसंद है, कपड़ा की बात कर रहे। अरे नहीं नहीं, मैं कपड़े के बारे में बता रही थी, ये आपकी पसंद है। तेरे कपड़े मैं लाया हूँ। नहीं नहीं, आपको अच्छा, ये अच्छा लगे इसलिए ऐसा बोल रही। नहीं नहीं, आपको ये ब्लू कलर है ना वो पसंद है ना? बराबर, वो जेंटस का कलर होता है, तो मुझे लगा मैं पहन लूं तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने ईदी मांगी और पापा ने मुझे बड़ी सी वीडियो गेम दी है। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आया। और अभी देखिए राह देख रहे कब सेवैया मिले खाने के लिए, कब फिरनी मिले और कब जल्दी से जल्दी कव्वाली सुने सबरी ब्रदर भाइयों के। और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी। आप लोग भी देखिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबरी ब्रदर के कव्वाली, मजा आ जाएगा। लास्ट ईयर हमको बहुत सारे मेल आए थे हमारे व्यूअर्स के, जब भी ईद होती है तो आसपास दूसरे भी बहुत अच्छे त्यौहार होते हैं, जन्माष्टमी होती है, गणपति का उत्सव होता है, ईद की शुभकामनाएं देना हम लोग भूल गए थे। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अंदर ईद का जो उत्सव होगा सब लोग को बहुत मजा आएगा। स्पेशल यही बनाया हम लोगों ने ईद के लिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसको भी यूज किया है शायरी में, और हमने मुबारकबाद दी है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और सीरियल को, जो हमारे सीरियल के डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है उनको भी मुबारकबाद दी है। और सारे एपिसोड अच्छे हैं इसके, मैं भी इसका फैन हूँ, मेरे बच्चे भी, मेरी वाइफ भी फैन है इसकी, इसमें जिसका जो किरदार है। लो ईद का दिन आ गया, लो ईद का दिन आ गया।